कानपुर नगर में बुधवार को वीरहाना रोड स्थित दवा मार्केट के कानपुर प्रगेष्ठ एसोसिएशन न्यायस्थी निरीक्षक संदेश मौर्य जी को उपस्थिति में संपूर्ण दवा मार्केट के लगभग 500 झंडों का वितरण किया है। संयोजक अमित गुप्ता उर्फ गुड्डू भैया ने बताया, माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार आजादी अमृत महोत्सव पर जगह जगह झंडा वितरण किया जाएगा और वह आपने दवा मार्केट एसोसिएशन से भी कहा कि अपने सभी घर पर एक झंडा अवश्य लगाएं। झंडा वितरण के इस मौके पर मुख्य रूप से रामकिशोर गुप्ता, संजय गुप्ता, कप्तान सिंह, प्रदीप कुमार कटियार, अमित गुप्ता, गुड्डू भैया, अयोध्या प्रसाद, रवि गुप्ता, वरुण तुलसियान आदि लोग मौजूद रहे। मैं वरुण तुलसियान, कोषाध्यक्ष कानपुर ड्रगिस्ट एसोसिएशन। आज हम लोगों को बड़ा हर्ष हो रहा है कि हम लोगों को आज़ाद हुए 75 वर्ष होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हम लोग एक अमृत महोत्सव की तैयारी पूरे देश में कर रहे हैं। इसी के साथ हम लोग यहाँ कानपुर में अपने दवा व्यापार में यहाँ पे अपने औषधि निरीक्षक जी की उपस्थिति में झंडा वितरण कार्यक्रम कर रहे हैं और सबके सारे प्रतिष्ठानों पे एक एक झंडा लगवा रहे हैं, जिससे कि हम लोग इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को बहुत अच्छे से और बहुत गर्व के साथ मना पाए। आज हम लोग करीब 400 से 500 झंडे जो हैं अपने एक एक सारे प्रतिष्ठानों को वितरित करेंगे। प्रतिष्ठानों के अलावा और भी शहर में कई जगह किए जाएंगे कि केवल दवा व्यापारियों को? हम लोग मूलतः दवा व्यापार से जुड़े लोग हैं और हमारी एसोसिएशन दवा व्यापार के लिए कार्यरत है, तो अभी तो इस मंच पे हम लोग सिर्फ अपने दवा व्यापारियों में ही झंडा वितरण करेंगे। क्या आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 15 अगस्त को दवा व्यापारी के कोई खास कार्यक्रम आयोजित हम लोग जो है अपने मार्केट में झंडे का जो है क्या कहते हैं वो करेंगे, रोहण करेंगे और बाकी हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग प्रसाद का भी वितरण करें और मिठाइयों का वितरण करें। हमारे चैनल के माध्यम से आप नगरवासियों और देशवासियों को 15 अगस्त के पावन पर्व के क्या संदेश? हमारा एक ही संदेश है कि इस आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत लड़ाई की थी, हमें आज बहुत गर्वित होना चाहिए कि 75 वर्ष हो चुके हैं। हम लोग सब तो उसके बाद ही मूल आए हैं इस दुनिया में। मैं संदेश मौर्य, ड्रग इंस्पेक्टर कानपुर हूँ। आज आज़ादी के महोत्सव के उपलक्ष्य में कानपुर ड्रग एसोसिएशन ने प्रोग्राम रखा हुआ, जिसमें इन लोगों ने निर्णय लिया, हम सभी लोगों ने, कि हर दुकानों पे झंडा लगाया जाएगा और जो सरकार के नियम है 11 से लेकर 15 अगस्त तक सभी दुकानों पे झंडा लगेंगे, फहराए जाएंगे और उनके बारे में लोगों को प्रेरित किया जाएगा और जो गाँव के दुकानदार हैं, इंटीरियर के दुकानदार, सभी जगह जाके हम लोग झंडा को बांटेंगे, उनको बताएंगे कि सभी लोगों को लगाना है और इस आज़ादी को महोत्सव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और सबको एक साथ मिलकर इसको सफल बनाना है।